थाना जगदीशपुरा क्षेत्र स्थित प्रेमनगर में एक सार्वजनिक शौचालय की जमीन पर हो रहे विवाद को लेकर क्षेत्रीय लोगों में खासा रोष है, जिन्होंने बड़ी संख्या में थाना जगदीशपुरा पहुंचकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सपोर्ट इंडिया संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद सोनी व महासचिव ब्रजेश चाहर ने थाना पुलिस के सामने पूरी बात रखी। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से इलाका पुलिस की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और दूसरे लोग अदालत के आदेशों को भी धता बता रहे हैं। एडवोकेट सुरेश चंद सोनी ने थाने में तहरीर देते हुए FIR दर्ज करने की मांग उठाई है। एक सार्वजनिक शौचालय है बोदला सागंज रोड पर प्रेमनगर में। ये 56 सीटर शौचालय है, 28 पुरुष और 28 महिला। ये 1986 में इसका निर्माण किया था और इसका जो जमींदार थी भूदेवी, उससे पंचों ने लिखापढ़ी कराई थी अपने हक में, और जिसमें कि वो कागज़ हैं और तय ये हुआ था कि ये सार्वजनिक रहेगा और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शौचालय आज की तारीख में है। हमने तमाम लोगों को प्रार्थना पत्र दिए लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं गई। माननीय उच्च न्यायालय भी गए, वहाँ से भी आर्डर आया, फिर आर्डर का जब पालन नहीं हुआ तो हमने कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की जो सिटी कमिश्नर महोदय के लिए थी। अब क्या है कि अब अचानक थाना जगदीशपुरा से संबंधित जो पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल वगैरह पर रहते हैं, वहाँ जो है सपोर्ट इंडिया के कार्यकर्ता के घर पर गए और ये कह रहे थे कि तुम भी खाओ और हमें भी खाने दो और निर्माण कार्य होने दो, जनता को बाढ़ में जाने दो। तो इस बात की शिकायत लेकर के और एक कागज़ हमारे हाथ आया है जिसमें कि उन्होंने 2019 में कोई फर्जी बैनामा फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। तो आज हम थाने अपनी FIR दर्ज कराने गए थे और वो तहरीर हमने SSI गौतम जी महोदय को दी है। इसके बाद उन्होंने हमारी CO लोहामंडी महोदया से बात कराई तो उन्होंने कहा कि हम इसकी गंभीरता से जांच करेंगे और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कोई व्यक्ति अगर निर्माण करता है तो तत्काल हमें उसकी सूचना दें और हम इसमें जांच करने के बाद के दस्तावेज कैसे हैं, अगर फर्जी निकले तो FIR कराएंगे। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे मैं क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं, इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुए, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।